Fran Garcia as part of the first team next season after this investment for the fullback to return at Real Madrid. So the deal is almost done, and we can say a big "Here we go" for Real Madrid. Two oh. thousand years later. Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas. By the Madridistas and all the Madridistas. अगर आप इस चैनल पे नए हो यार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ तो ये क्या ही कर रहे हो आप लोग आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए तो कर दो भाई सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना क्या कतल गेम था यार मतलब जिस गेम की इतनी हाइप हो उस हिसाब से वो गेम जाए हमें यही एक्सपेक्टेड था और हमें यही देखने को मिला है मार्कस रैशफोर्ड वॉज प्लेइंग लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई मतलब आई डों वॉन्ट टू डू कंपेरिज ऑब्वियसली इज नॉट एट द सेम लेवल एज रोनाल्डो वॉज बिल्कुल वैसे के वैसे ही खेल रहा था भाई वैसे ही काउंटर अटैकिंग वैसी स्ट्राइड सब कुछ वैसा ही लग रहा था मेरे को एरिटन हैक के तौर से मुझे थोड़ा सा मास्टर क्लास लगा बिकॉज उसने एंड मोमेंट में काफी सारी पोजिशनिंग बदल दी आई थिंक उसको कहीं ना कहीं से हिंट लग गई थी कि मार्कसोलॉन्सो uh, खेलने वाले हैं जावी मार्कसोलॉन्सो को खिलाने वाला है और मार्कसोलॉन्सो सेंटर बैक खेल रहा था तो उसने रैशवर्ट की पोजिशनिंग बदल दी बेसिकली रैशवर्ट वॉज प्रेसिंग मार्का सोलॉसो एवरी टाइम ही हैट द बॉल एंड रैशवर्ट को बेसिकली मार्कसलॉन्सो भी

तो यहां पर भी एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया जेडन आगे आ रहा आ जा रहा था यूनाइटेड की तरफ जा रहा था तो सांचो बॉल के साथ डायरेक्टली में आ रहा था लेकिन 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 हम इस गेम के बारे में बात नहीं करेंगे गार्सिया हैज साइंड बाय जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा फ्रिजियो चाचा ने अपनी कंफर्मेशन दे दी है बेसिकली होता क्या है बायर लेवकुसन और एक इटालियन क्लब गार्सिया के पीछे जाते हैं रायो वालकानों से डील करते हैं तो रायो वालिकानो इन्फॉर्म कर देती है रिया मडर को दैट गार्सिया के लिए ऑफर आया है तो बेसिकली

कि फरान घाट की साइनिंग सक्सेस हो बिकॉज आई पर्सनली वॉन्टेड टू बी ए सक्सेस मैं तो जाऊंगा भाई बिल्कुल जाऊंगा वंदर के पास फ्रान घाट का जो वनवास था तीन साल का वो खत्म हो चुका है नाउ ही इज ऑफिशियली बैक एट रिया मरिड समर में रिया मरिड ऑफिशियल अनाउंस कर देगी वो अभी के अभी अनाउंस नहीं करना चाहते हैं औदो कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड एवरी थिंग इज सील्ड फरान घार्ज की साइनिंग बिल्कुल तभी अनाउंस करी जाएगी जैसे कि सर डेविड आलबा की साइनिंग हमने सिक्योर कर ली थी थी टू के स्टार्ट में बट अनाउंस की थी हमने जून जुलाई में तो वैसा हम फ्रान घार्सा के साथ करने वाले हैं फरान घाटिया बिल्कुल एक कारवाहल 2.0 वाली साइनिंग है अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो कारवाहाल भी गए थे लोन स्पेल पे बट फिर यामिरुन को वापस लेकर आ गए थे 2014 वाले सीजन में तो चलिए अब बात करते हैं फ्रान गार्सिया प्लेयर कैसे हैं अब हमने तो डिस्कस कर लिया कि ट्रांसफर कैसे हुआ कैसे रियामर ने उसको बाय बैक किया लेकिन अब बात करते हैं कि फ्रान गार्सिया किस किस तरीके के प्लेयर हैं तो एक स्टार्ट है जो कि हर एक रिया मरड फैन के दिल को छू लेगी विनीसियस जूनियर रैंक्स नंबर वन इन प्रोग्रेसिव कैरीज हंड्रेड रॉ प्रोग्रेसिव कैरीज हैं विनीसियस जूनियर के ऑल अक्रॉस यूरोप एंड नंबर टू पे आते हैं फ्रान गार्सिया जिनके हंड्रेड प्रोग्रेसिव कैरीज है अब ये एक पर नाइन स्टार्ट नहीं है ये एक रॉ स्टार्ट है लेकिन ये वो ऐसी रॉ स्टार्ट है जिस जिसके नॉट बी टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और नंबर थ्री और नंबर फोर पे ऐसे नाम आएंगे जो आपको लिटरली लाइक यू नो दे स्मैश अ ब्रेन नंबर पर रैंक्स नंबर थ्री एंड नंबर फोर पे आते हैं बुकायो साका ठीक है एंड इन दोनों के एक्चुअली सेम अमाउंट ऑफ प्रोग्रेसिव कैरियजी एट नाइनटी एट इच फ्र के हंड्रेड एंड नाइनटीन

ऐसा लाइक धुन पेस है लाइक आलेहांधरे बालदे के साथ पेस कंपटीशन लगाई जाएगी ना तो ये दोनों में टक्कर की पूरी लड़ाई होगी आले हांध्रो बाल्दे और फरान गार्सिया में एंड इन माय ओपिनियन ये दोनों बेस्ट फुल बैक्स हैं ऐसा में लालीका के तो रिया मोर ऑफ गोदम अ वेरी वेरी गुड डील एंड फरान गारसिया का वनवास खत्म हो चुका है जो उन्होंने तीन साल का काटा था रायो वाले कानों में नाव ही विल बी बैक होम वेरी वेरी सुन लेकिन अब बात करते हैं फरहान गनी जूनियर कंपेयर यू नो एक तरीके से बैठेंगे कैसे साथ में हाउ विल दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बेसिकली अब क्या होगा गार्सिया ओवरलैपिंग या फिर अंडरलैपिंग रन जरूर बनाता हैं जो कि विनिस जूनियर को हेल्प आउट करेंगे अभी मैं आपको आगे जाके फोटोज दिखाऊंगा लेकिन मैं थोड़ी बहुत और लालीगा स्टैट्स के बारे में बात करना चाह रहा फ्रान गार्सिया की इस सीजन में फ्रान गार्सिया रैंक्स

परफॉर्मेंस इफ आई नॉटो वाले गेमोटी गोज ऑन टू शो दैट इसम वो बिग गेम प्लेयर अबिलिटी वाली तो जरूर है नाउ इन द लास्ट टू सीजन ही हैज ऑल्सो मेड टॉप टेन फॉर क्रॉसेज इन टू द बॉक्स ठीक है बेसिकली जो लास्ट के दो सीजन थे उसमें जो टॉप टेन प्लेयर्स है जो क्रॉसेजते हैं बॉक्स में उनमें से ये आते हैं जरूर है तो अब मुझे कहीं कही ना कहीं रिया मरिड का आगे प्लान ऑफ एक्शन समझ में आ रहा है कि रिया मरड को किस तरीके से खेलना है इन द फ्यूचर रिया मरिड आगे जाके एक प्रेसिंग टीम बनने वाली है ठीक है इट इज लुकिंग वेरी वेरी क्लियर विद कामांग चुआ मेनी विनीस सरोदरी को एंड ऑब्वियसली विद द

कामाविंग और फोरलिन मिंडी के साथ वो कैसे खेलते हैं इनमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो यहां पर मैं पहले गेम ले रहा हूं एथलेटिक बिलबाओ वाला आपको क्लियरली दिख रहा है विनीस जूनियर कैसी पोजीशन में है यहां पर यहां पर फोर्लिन मिंडी का दूर दूर तक तो कोई निशाना यहाँ पर मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा है ठीक है एंड यहां पर आप देख सकते हो विनीस जूनियर पर दो प्लेयर चढ़े हुए हैं अब यहीं पर अगर गार्सिया या एडवाडो कामाविंगा होंगे तो वो बेसिकली एक ओवरलैपिंग रन बना के एक प्लेयर को अपने पास खींच लेंगे ना बेसिकली अगर राइट हैंड साइड पर आपको अगर एथलेटिक बिलबाओ का एक प्लेयर दिख रहा हूँ वहां पर अगर कामाविंगा या फिर फ्रान गार्सिया जाते हैं तो वो आके एक प्लेयर का माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं और विनीशियस के लिए ज्यादा इजी पड़ेगा टू ड्रिबल पास्ट ए प्लेयर तो क्लियरली आप देख सकते हैं विनीशियस को कितना बेनिफिट होने वाला है इनफैक्ट एक न्यूज तो ये भी हमें आज आजकल बता रही है दैट अकॉर्डिंग टू सोर्सेस विनीशियस इज एंजॉइंग इज फुटबॉल मोर सिंस कामाविंगा मेड अ मूव टू द लेफ्ट बैक स्पॉट

मेंडी नहीं होता है ठीक है एंड यहां पर फोलिन मेंडी बहुत लेट रन बनाए एक्चुअल में तो यह दिखाया जा रहा है ठीक है तो ऐसी ही सारी चीज़ें हैं जो फर्ल एंड मंडी नहीं कर पाते हैं अटैकिंगली तो फर्ल एंड मंडी प्रैक्टिकली कुछ प्रोवाइड नहीं करता है ठीक है ना आई रियली यू नो डू नॉट लाइक हिम दैट मच एंड प्रॉबली इज वन ऑफ दोज रियामोड प्लेयर्स आई रियली वॉन्ट आउट लाइक मारियानो को हटाओ फॉरिन मिंडी को हटाओ फोर्लिन मंडी डिफेंसिवली मैंने मतलब देखा भी है कि काफ़ी डिफेंसिवली काफ़ी अच्छा है लेकिन इन द लास्ट प्रॉब्ली फाइव और सिक्स मंथ्स मुझे फॉरिन मंडी वैसा वाला प्लेयर दिखा नहीं है फॉर्लिन मेंडी अपने लेवल को खो बैठा है इन माय ओपिनियन ही इज नॉट अ प्लेयर इन फॉर्म राइट नाउ फॉर में अगर डिफेंसिवली अच्छा तो डिफेंसिवली भी अच्छी चीजें करे ना बिकॉज ऑफ हिम रियामेड ऑफ सीडेड सेवन गोल्स उसकी इंडिविजुअल मिस्टेक के वजह से रियामर ने सात गोल कंसीड करे हैं अब आप जो मेरे को बोलते हो किडान बाहर निकल कर आ जाता है कभी कबार भाई वो कभी कबार होता है वो मोमेंट्स के बेसिस होता है में में उतना अच्छा प्लेयर नहीं है वो कुछ मूवमेंट्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस निकल कर आ जाते हैं ना फोरिन मंडी से जो सडनली से यू नो उत्पाद मचती है ना उसके अंदर से वो है बस और कुछ नहीं है फॉरिन मंडी इतना अच्छा प्लेयर तो है भी नहीं ठीक है ही के नॉट रेडी डू मच विद बॉल के साथ वो रेजिस्टेंस भी नहीं है लाइक अगर कोई प्लेयर उसको प्रेस करेगा तो दिन आई एम एम्प्रेटिश शुरू की वो बॉल गिव अवे चीपली कर देगा एंड ऐसा सिचुएशन में हुआ भी है इन द चैंपियंस लीग इनफैक्ट मैं आपको गिना सकता हूं कि ऐसा हो चुका है जब वो आगे आता है वो क्रॉस डालता है बैनजमा को तो पहली बार तो सरप्राइज आता है कि ये बंदा क्रॉस भी डाल सकता है ठीक है तो यहाँ पर फरान घाट से बेटर जॉब ही कैन प्रोवाइड यू द क्रॉसिस उसकी पेस ज्यादा है ठीक है एंड यू नो डिफेंसिवली भी काफ़ी अच्छा है वो उसका वर्क रेट काफी अच्छा है डिफेंसिव रिकवरी काफी अच्छी है एंड पेस तो भाई कसम से उसका पेस देख के मैं पागल हो गया वो यहां से यहाँ दो सेकेंड में पहुंच जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा इतना क्विक है वो ठीक है तो फरान घाट के बारे में वो भी एक चीज़ है मैंने आपको दिखा दिया कि कामाविंगा और फर्लैंड मंडी में क्या कंपेरिजन है विनीशस खुद कामाविंगा के साथ ज्यादा खुश है मैं अगेन यहां पर कामाविंगा और फ्रांडाट्स का कंपेरिजन करने के लिए नहीं आया हूँ इज अ प्लेयर जो कि मिडफील्ड में खेलने वाला है ना ही लेफ्ट बैक पे बट आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना कि आपको एक अटैकिंग माइंडेड फुल बैक भी खिलाना पड़ेगा जिसको क्वालिटीज उसकी पता हो फ्रांड गार्ड एक ऑल राउंडेड फुल बैक है जो कि डिफेंसिवली भी आपको एक्यूमेन उसका स्ट्रॉग है और अटैकिंगली भी आपको काफी इनपुट ला दे सकता है एंड विनीस को ऐसा ही प्लेयर चाहिए टू यू नो टू हेल्प हिम जो वो थ्री बी वन टू भी वन हो रहा है ना विनीशे के सामने जिनको वो बीट नहीं कर पा रहा है रियलिस्टिकली स्पीकिंग रिया मल्ड का बस एक ही फ्लैंग है जिससे बहुत सारे चांसेस क्रिएट होता है रिया मर्ड का बस इन माई ओपिनियन एक ही प्लेयर है जो उतना अटैकिंग आउटलेट प्रोवाइड करता है जो उतनी अटैकिंग इंटेंसिटी रखता है एंड जो जेनविनली हर एक गेम में थ्रेड लगता है वो विनीस जूनियर है अब आपको उसको यहाँ पर सपोर्ट दिखाना पड़ेगा अगर वो क्रूस या का उस मिडफील्ड पोजिशन लेफ्ट हैंड सेंट्रल मिडफील्ड पोजिशन पर खेल रहे हैं तो आपको लड़ने की बात नहीं है अगर फ्रांट गार्सिया और विनी आगे भी खड़े होते हैं तो ये दोनों पीछे ज़रूर रहेंगे बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि क्रूस एक डीप लाइंग प्ले मेकर है और वो डीपर पोजिशन पर रहता ज़्यादा है और कामाविंगा की अगर मैं बात करूँ वो डीपर पोजिशन से बॉल आगे कैरी करके लाता है ठीक है तो कोई ना कोई तो रहेगा वहां पर टू कवर फॉर फ्रान गार्सिया ठीक है मार्सेलो भी एक अटैकिंग माइंडेड बैक था उसका भी रोनाल्डो के साथ काफी अच्छा कॉम्बिनेशन था हम सब देख जानते हैं मैं यहाँ पर फ्रान गार्सिया विनी को उन दोनों लेजेंड से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बट जस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू आई एम ट्राइंग टू पुट इन यूर बट यही था बेसिकली जो मुझे बात करनी थी फर्लिन मंडी भाई उसको हटाओ जल्दी से जल्दी हटाओ मेरे को नहीं देखने का उसको मेरे क्लब में छह महीने बाद पिछले सम, समर ही चले जाना चाहिए उसको एक फिफ्टी मिलियन की डील भी मिल जाती कहीं ना कहीं से प्रॉब्ली मैनचेस्टर यूनाइटेड फिफ्टी मिलियन डाके देती बट एनी यार आज का वीडियो यही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टेट क्वालिटी जॉब छोड़ दो